हटो, जल्दी वहाँ से हटो। ये रहा छपरी राइडर निखिल। तो मैं जो है बाइक को अब यहाँ से राइड करूंगा आगे। इधर लाइनअप हो गई है अभी। राम राम सभी भाई को, मैं हूं आपका दोस्त संजीत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अपाचे गाय। सो गाइस, आज है संडे और आज जो है हम एक छोटी सी राइड करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी बाइक का जो फ्रंट ब्रेक है वो फेल हो चुका है, लेकिन आज संडे राइड थी और मैं इसको कैंसिल नहीं करना चाहता था। तो मैं क्या किया, मैं एज ए पिलियन जो है ट्रैवल करूँगा। और मेरे साथ अभी मेरे को पिकअप करने के लिए ये आया है छपरी राइडर निखिल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उसकी बाइक है और यहीं कहीं छपरी राइडर निखिल भी होगा, अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा छपरी राइडर, ये रहा छपरी राइडर निखिल। और मैं जो है गाइज अपना हेलमेट और ग्लव्स और सारा किट जो है ले चुका। तो अब जो है हम यहाँ से अपनी राइड को जो है गाइज शुरू करेंगे। सो गाइज अभी जो है राइड शुरू हो गई है और ये छपरी राइडर निखिल जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं छपरी बोलता हूँ तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बोलता है कि मेरे को छपरी मत बोला करो, मेरी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन क्या करें, छपरी तो छपरी हो गए हैं, चाहे वो अपाचे चलाए या BMW चलाए, कोई बात नहीं ब्रो। थोड़ा सा बुरा लगता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो अभी जो है गाइज एक मीटिंग पॉइंट फिक्स किया गया है, वहाँ पे सारे बाइकर्स जो है मीट करेंगे। मेरे को अपनी बाइक लेने का बहुत मन था बट क्या करें, बाइक का सिस्टम ही खराब हो चुका है। आपको पता ही है, कल की वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें का जो मेरा ब्रेक है ना वो फेल हो चुका है फ्रंट वाला। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे, अभी आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको कहीं दिख रहा होगा गाइस, तो आप उसको देख सकते हैं। सो गाइस अभी सीन ये है कि निखिल राइडर का फ़ोन आ गया है और उसने बोला है कि तुम बाइक को राइड करो। तो मैं जो है बाइक को अब यहाँ से राइड करूँगा आगे मीटिंग पॉइंट तक। बाइक की सर्विस कराया है, बाइक स्मूथ हो गई है एकदम, बीच में बाइक खटारा हो गई थी एकदम इसकी, अभी तो एकदम मक्खन चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। और गाइज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए रोज़ व्लॉग्स लेके आऊँ, रोज़ वीडियोस लेके आऊँ, जिसके लिए मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइज सपोर्ट करिए आप मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आपको जो है फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज़ आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरी वीडियोस की, अगर मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस तरह से। तो आप जो है जल्दी वहाँ से हटो। सो गाइज हम जो है अपने मीटिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सारी बाइक्स जो है वो खड़ी हुई हैं। तो ये है गाइज अपना मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे और सारी बाइक्स जो है खड़ी हुई हैं और सारे राइडर्स भी इधर ही हैं, तो उनसे मिला जाए। सो गाइस इधर जो है ये R15 V4 है दोनों, ये R15 V3, ये रेडर और एक RS 200 है उस कार के आगे, आपको दिखाई दे रहा होगा वो RS 200। और ये अपना छपरी राइडर फ्रूटी पीते हुए। सो गाइस अभी जो है यहाँ से दूसरे मीटिंग पॉइंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला मीटिंग पॉइंट जो है इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो ओनर है ना वो भी छुतियापा कर रहा है। तो क्या मतलब है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल बाइकर्स से लोग कितना चिढ़ते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर ऐसे ही नॉर्मल कोई पर्सन हो, तो चिढ़ते तो बहुत है। तो क्या ही कर सकते हैं गाइस। अभी फिर से सेकेंड मीटिंग पॉइंट पर आ गए, जो सारी बाइक है गाइस। अभी जो है चाय टाइम है यहाँ पे, मतलब कि चाय पिया जा रहा है, देख रहे हैं आप सभी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। अभी 2-3 बाइक और आना बाकी है, ये सब है इधर। ये छपरी राइडर है अपना, वो आदि भाई है, वो दानिश भाई है और सब बाइक है। और ये पीछे जो है हमारे इधर सारी बाइक ऐसे खड़ी हुई है। तो गाइस अभी जो है इधर सारे राइडर्स जो हैं अब लाइनअप के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारी कितनी सारी बाइक आ गई है आज, तो बहुत सारी बाइक है। वो जो अपाचे है ना वहाँ पे वाइट कलर की, उसका साउंड मेरे को इतना प्यारा लग रहा है, मैं उस बाइक का आपको एक दिन रिव्यू करके दिखाऊंगा, शोरूम पे ही जाऊंगा और उस बाइक का रिव्यू करके दिखाऊंगा आपको। बाकी ये RC है, R15 V4 बहुत सारी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 चार R15 V4 है, एक V3 है और बहुत सारी बाइक्स है गाइस। तो लाइनअप करते हैं, अब मैं देखता हूँ किस पे बैठूंगा, क्योंकि मेरी बाइक तो है नहीं, आपको पता ही है रीज़न मेरी बाइक ना लाने का। तो देखते हैं किस बाइक पे मैं एडजस्ट हो पाता हूँ, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि अपनी बाइक की बात अपनी बाइक की होती है गाइस। और देखते हैं किस पे मैं बैठता हूँ, फिर आपको आगे फर्दर दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस ये जो है बाइक्स का लाइनअप हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारी बाइक्स जो है इधर लाइनअप हो गई है अभी। तो ये सारी बाइक्स हैं यहाँ पे, MT15, R15, फिर हंटर, फिर R15 अपाचे है, फिर RC, फिर रेडर,
और फिर उसके बाद जो है V4 है आदि बाइक की। तो ये सारी बाइक जो है यहाँ पे गाइस अभी लाइनअप हो चुकी है। अब जो है एक एक करके बाइक जो है यहाँ से निकलेंगी और आगे राइड करेंगे। तो राइड ज़्यादा मेरे को लगता है 30 किलोमीटर्स के रेंज में ही राइड होगा, क्योंकि धूप गर्मी आपको पता ही है कितना हो रहा है, तो उस वजह से जो है ज़्यादा दूर तक हम नहीं जाएंगे, तो 30 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। तो देखते हैं गाइस और आगे। गाइस जो राइड है वो शुरू हो गई है, बाइक जो है सारी निकल चुकी है आप देख सकते हैं। तो मैं जो है दानिश भाई के साथ बैठा हूँ उनकी रेडर में। जो भाई बाइक है ना अपाचे, इसका साउंड मेरे को इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये रही RS 200, अपने ग्रुप में ये RS 200 मैं पहले देख रहा हूँ, क्योंकि और RS 200 हमारे ग्रुप में है नहीं। एक ये पहली RS 200 जो है मैंने अपने ग्रुप में देखी है। बाइक तो जो है सारी आ गई है फ्यूल के लिए। अब जिसको फ्यूल अप कराना होगा वो अपना फ्यूल अप करा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये हंटर है, इसको फ्यूल अप कराना है। और भी कई गाड़ियाँ हैं, इनको फ्यूल अप कराना है। तो फ्यूल अप के लिए रुकते हैं यहाँ पे, जिसको फ्यूल अप कराना होगा। अभी जो है हम सबसे आगे चल रहे हैं, आदि भाई ने बोला कि थोड़ा ग्रीड करने के लिए, तो अभी जो है हम सबसे आगे चल रहे हैं। ये जो है भाई अपना रेडर चला रहा है और मैं जो पीछे के विंड पर बैठा हूँ। विंड ब्लास्ट इतना आ रहा है ना कि पूरा जो फोन है वो पूरा एकदम देख रहे कैसे शेक कर रहा है पूरा फोन। पे तो आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी बाइक्स जो यहाँ पे खड़ी हैं, डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे जो है चाय वाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन यहाँ से जो है आगे अपने जहाँ जो प्लानिंग होगा उस हिसाब से निकलेंगे गाइस। सो गाइस ये जो है अभी सीन चल रहा है कि हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे जो ये डेस्टिनेशन था हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से जहाँ निकलना होगा प्लानिंग होगी जिस हिसाब से, या तो सिटी के अंदर से निकलना होगा या तो डायरेक्ट हाईवे पकड़ के जाना होगा। तो आपको दिखाते हैं कि हाईवे पकड़ के जाना है कि सिटी पकड़ के जाना है। तो अभी तो अंदर बैठे हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से निकलेंगे गाइस। अभी आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है सब आ चुका है, यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं। अब जो है इसके बाद खाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से जो है निकलेंगे। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो सारा आ चुका है और खाने की बस बारी है, वेट कर रहे हैं कि सब लोग का आ जाए, तो उसके बाद जो है खाना शुरू करें, फिर उसके बाद तो है यहाँ से निकलेंगे ही। तो रिटर्न का एक आपको क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद गाइज यहाँ से जो है रिटर्न करेंगे। सो गाइज ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अब जो है यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तो सारे बाइकर्स जो है अपना निकल रहे हैं, तो हम भी यहाँ से निकलेंगे। मैं तो यही बाइक है, इसी पे अपना पिलियन बन के मैं राइड कर रहा हूँ। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि एज ए पिलियन मैं राइड कर रहा हूँ बाइकर्स के साथ, वरना नहीं तो मैं तो हमेशा अपनी बाइक के साथ राइड करता था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा पिलियन बनके, जो राइडर है मेरा वो काफ़ी अच्छे से बाइक चला रहा है, आराम आराम से एकदम अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के, तो बाइक सही से चला रहा है गाइस। तो अब जो है अब यहाँ से निकलते हैं। इस अभी जो है यहाँ पे वीडियो और रील वगैरह शूट हो रहा है, बाकी राइड तो है वो ख़त्म हो चुकी है हमारी। तो सारी बाइक जो है अपना अपना रील वील शूट कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं। तो राइड तो ख़त्म हो चुकी है गाइस, राइड पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैं जो है आज एज ए पिलियन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया गाइस, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। आगे तक कोई छोरी ना छेड़े, मुँह का ढोर बना दूंगा, बजेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी, गलत नहीं होने देना, सिखा मैं मेरे गांव के खेड़े।